Hello students, my name is Richa Bharati and welcome to your first online class. So for class 10, our first chapter is real numbers. Real numbers, as you will recall, is a collection of rational and irrational numbers. तो यहाँ पे इस chapter में हम लोगों का जो first topic है वो है Euclid's division lemma. Lemma क्या है? लेमा एक सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट होता है. सेल्फ प्रूवन मतलब उसे किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है. अब ये लेमा कहता क्या है? तो लॉन्ग डिवीजन का जो प्रोसेस है, जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये उसी का रीस्टेटमेंट है. यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैंने 15 को 2 से डिवाइड किया है, तो कोशेंट है 7 और रिमाइंडर है 1. 15 यहाँ पर डिविडेंड है और 2 है डिवाइजर. इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 15 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 प्लस 1. ओके, अब इसी को अगर हम लोग जनरलाइज करते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो हमें मिलता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इसका स्टेटमेंट है given positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a equals to bq plus r, r is greater than or equal to 0 and less than b. यहाँ पे a dividend है, b divisor है, q quotient है और r remainder है. remainder हमेशा divisor से कम होता है, तो remainder की values यहाँ पे हो सकती है 0 या उससे बड़ा कोई number जो b से छोटा हो. ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. Algorithm basically it is a series of steps which are used to solve a problem. Lemma को हम लोग बार बार apply करके problem को solve करेंगे. इसा यहाँ पे इसे बोलते हैं algorithm. Okay, तो यहाँ पे application क्या है? To find the HCF of given positive integers using Euclid's division algorithm. Step 1. Take 2 positive integers, say C and D. C is greater than D, then we divide C by D and suppose C equals to DQ plus R, where D is the divisor and R is the remainder, Q is quotient. If in this step we get R equals to 0, if R equals to 0, then the process stops here and D is the HCF of C and D. If R is not equal to 0, apply the lemma to D and R. Means
इन द नेक्स्ट स्टेप वी डिवाइड डी बाई आर. Step number 2, repeat the process till we get r equals to 0. In that step in which we get r equals to 0, that divisor will be the HCF of C and D. जहाँ पे हमें remainder 0 मिल जाए, वहाँ पे जो divisor था, वही हो जाएगा HCF. आगे जब हम लोग कुछ problem solve करेंगे, तो ये process आप लोगों को और clear हो जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, पर उसके पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी आप लोगों को ज़रूरी है. व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय टू, रिमाइंडर इज, अब लेम्मा में हम लोगों ने क्या देखा था, रिमाइंडर डिवाइजर से कम होगा, जीरो के बराबर होगा और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से कम रहेगा. तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, जीरो और वन. सो एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म और 2m प्लस 1. सेकेंड, वेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर इज 0, 1 और 2. सो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 एंड सो ऑन. अगर हमें यहाँ पे 4 लेंगे तो 0, 1, 2 और 3 हो जाएगा. 5 लेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4. इस तरह से आप इसे किसी भी सॉल्यूशन में, सॉरी, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं. तो हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करके इसका यूज़ देखेंगे, क्योंकि मैथ्स का कोई भी रूल या कोई भी फॉर्मूला, जब तक आप उसके बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स रटने की चीज़ नहीं. ओके, दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी मैथ्स बुक फॉर क्लास 10th. द क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. अब यहाँ पे लेमा के हिसाब से देखेंगे तो b की जगह 6 लिया गया है. Let a बी एनी इंटीजर, यहाँ पे अभी हम लोग ऑड नहीं लेंगे, सिर्फ एनी पॉजिटिव इंटीजर. देन अकॉर्डिंग टू लेमा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर,
आर के वैल्यूज हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, अब यहाँ पे कुछ केसेस अराइज होंगे। कौन से केसेस? व्हेन आर इक्वल्स टू 0, आर 0 कर दें, और बी, हाँ बी यहाँ पे हमें 6 लेना है, बी इक्वल्स टू 6, आर इक्वल्स टू दिस। हाँ, तो जब बी 6 हो जाएगा और रिमाइंडर होगा 0, ए इक्वल्स टू 6q। अब 6q ये इवन है या ऑड है? ये देखिए, ये 6 का और क्यू का मल्टीपल है, 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इवन। When r equals to 1, a equals to 6q plus 1. This is even, this is odd. Sum of even and odd is, क्या हो जाएगा? ये odd होगा। अगर आपको ये ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप अपने मन में सोचिए, 2 एक even number है, 3 एक odd number है, दोनों को add करके 5 आता है जो कि एक odd number है। Again, 8 एक even number है और 9 एक ऑड नंबर है, 8 + 9 = 17, 17 इज ऑड। सो सम ऑफ इवन एंड ऑड इज ऑड। सिमिलरली व्हेन आर इक्वल्स टू 2, ए इक्वल्स टू 6q + 2, सम ऑफ टू इवन नंबर्स, दिस इज इवन। व्हेन आर इक्वल्स टू 3, ए इक्वल्स टू 6q + 3, अगेन सम ऑफ इवन एंड ऑड, दिस इज ऑड। Two more cases remain. When r equals to 4, a equals to 6q + 4. This is even. When r equals to 5, a equals to 6q + 5. This is odd. तो जितनी बार भी हम लोगों को ऑड केसेस मिले हैं सब किस फॉर्म में थे? ये 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। हेंस एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 or 6q + 5। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग एल्गोरिदम का यूज देखेंगे। मान लीजिए कि हमें 135, 135 and 225 इसका एच सी एफ निकालना है लेमा का यूज करके। 135 इज लेस देन 225, सो वी डिवाइड 225 बाय 135। वन टाइम्स जाएगा, सो वी गेट हियर 90, 135, 225 equals to 135 × 1 + 90। अब अगर रिमाइंडर 0 होता तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं, पर रिमाइंडर क्या है? 90 है। r इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई लेमा टू 135 and 90। डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 135 इक्वल्स टू 90 × 1 + 45। यहाँ भी 0 नहीं है। अगेन
अब 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0. सो व्हाट डू वी गेट 0, आर इक्वल्स टू 0. सो एस सी एफ, अब इस स्टेप में जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है 45, एस सी एफ इज 45. तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है.